देशहित में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूँ। देशहित यानी देश का नंबर वन शो, वो शो जहाँ खबरें हैं जिनमें आपका हित है और इस देश का हित। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ विशाल कालरा। खबरें आपको हर कोई दिखाएगा, लेकिन उसमें कैसे देश का हित मतलब आपका हित छुपा है वो सिर्फ आप देखेंगे देशहित में। और देशहित में सबसे पहले आज की 20 बड़ी खबरें। जेएनयू हिंसा में दिल्ली पुलिस ने दर्ज की FIR, सभी आरोपी अज्ञात, क्राइम ब्रांच कर रही है जांच, अहम सुराग मिले। जेएनयू में कोडवर्ड से रची गई थी हिंसा की साजिश, व्हाट्सएप ग्रुप और सीसीटीवी फुटेज की भी की जा रही है जांच। जेएनयू में करीब 50 नकाबपोश कर रहे थे हिंसा, दिल्ली पुलिस के सूत्रों का दावा, लेफ्ट और ABVP दोनों ने बुलाए थे बाहरी लोग। जेएनयू की हिंसा में कल 34 छात्र हुए थे घायल, पुलिस ने कहा सभी को कल ही मिल गई थी अस्पताल से छुट्टी। सूत्रों का दावा, लेफ्ट के छात्रों ने किया था पहले हमला 4:15 बजे पेरियार हॉस्टल पर, शाम 7 बजे साबरमती हॉस्टल में हुई थी हिंसा। कैंपस की हिंसा के खिलाफ दिल्ली में लगातार प्रदर्शन, NSUI ने इंडिया गेट तक मार्च निकाला, कई कॉलेजों में नारेबाजी। अलीगढ़ और हैदराबाद यूनिवर्सिटी में भी हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन, जादवपुर यूनिवर्सिटी में रात तक प्रदर्शन, मौके पर बड़ी तादाद में पुलिस। जेएनयू की हिंसा पर विदेश मंत्री जयशंकर का बयान, कहा जब मैं जेएनयू में पढ़ता था तब नहीं था वहां पर टुकड़े टुकड़े गैंग। बीजेपी ने कहा हिंसा के जरिए देश को बदनाम करने की साजिश, HRD मंत्री ने कहा शिक्षण संस्थानों को नहीं बनने देंगे सियासी अड्डा। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के 26/11 हमले से की जेएनयू हिंसा की तुलना, कहा जिसने भी हमला किया हो उसके चेहरे से नकाब उतारा जाए। जेएनयू की हिंसा का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, दिल्ली पुलिस के खिलाफ तहसीन पूनावाला ने दायर की याचिका। नागरिकता कानून के खिलाफ दिल्ली की हिंसा में 2 बांग्लादेशी नागरिक गिरफ्तार, सीलमपुर की हिंसा में की दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारी। दिल्ली में विधानसभा चुनाव का ऐलान, 8 फरवरी को होगा 70 सीटों पर मतदान, 11 फरवरी को नतीजे। सीएम केजरीवाल ने कहा दिल्ली काम के नाम पर देगी वोट, वोटरों से कहा काम नहीं किया तो मत जिताना। बीजेपी ने कहा दिल्ली में राष्ट्रवाद बनाम अराजकता होगा चुनावी मुद्दा, बीजेपी का जीतना अभी से तय किया दावा। अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और नौकरियां पैदा करने के मास्टर प्लान पर काम, पीएम मोदी ने देश के प्रमुख उद्योगपतियों के साथ बैठक की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा देश में पारदर्शिता के साथ काम करने का माहौल बना, देश ने बड़े लक्ष्य तय करने और तय समय पर उन्हें हासिल करने का हौसला दिया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नागरिकता के मुद्दे को 50-60 साल पुराना बताया, बोले राजीव गांधी ने असम से की थी शुरुआत। दिल्ली और आसपास के कई इलाकों में बारिश, कल भी ऐसे ही रहेंगे आसार, 2 दिन की मामूली राहत के बाद फिर गिर सकता है तापमान। जम्मू में फिर बिगड़ा मौसम का मिजाज, वैष्णो देवी की पहाड़ी पर कल से बर्फबारी के साथ साथ बारिश भी।